हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग। आज इस वीडियो में हमने आपको ट्राउज़र का कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो जिसके लिए हमने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है, इसको हम फोल्ड करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पैंट को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फैब्रिक को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और 2 फोल्ड में इसको अच्छे से बिछा कर रख लेंगे। तो ये देखिए, फोल्ड साइड हमारे तरफ है और ये जो खुला हुआ साइड है उस साइड हम रख देंगे। और इसमें सबसे पहले अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। आपका लंबाई जितना भी है उस हिसाब से आपको इसमें लगाना है। 4 इंच उसमें मार्जिन प्लस कर लेना है। तो इस पैंट का लंबाई जो है वो 36 इंच है, तो 2 इंच हमें नीचे की तरफ, 2 इंच ऊपर की तरफ हमें मार्जिन ले लेना है। तो देखिए, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और इधर नीचे के इस तरफ भी हम 2 इंच कपड़ा ले लेंगे। इस तरीके से देखिए, हमने 2 इंच नीचे और 2 इंच ऊपर कपड़े का मार्जिन ले लिया है। तो अब हम इस पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का जो निशान है वो चौथाई भाग निकल कर आया है, 9 इंच। और आसन की लंबाई भी हम पहले 9 इंच रखेंगे और उसमें 2 इंच और प्लस करके 11 इंच पे हम आसन की लंबाई बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, आसन का जो लंबाई था 9 इंच है और उसमें हमने 2 इंच प्लस करके 11 इंच पे निशान लगाया। तो चौड़ाई का निशान पहले हम 9 इंच पे लगाएंगे और अब इसमें 2 इंच इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे मार्क कर देंगे और हमने जो 2 इंच मिलाया उसमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे। जैसे हम आर्मोल में गोलाई देते हैं उसी तरीके से हम गोलाई दे के इस लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आसन के हिसाब से ही हमने 9 इंच पे मार्क किया था, इसमें 2 इंच प्लस किया तो 11 इंच हो गया। तो अब इसी 11 इंच का हमें हाफ करना है। इंची टेप को इस तरीके से मोड़ेंगे और 5.5 इंच इसका हाफ निकल कर आया है, तो 20 सेंटर में हम 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से 5.5 इंच के ही बराबर से हमें बीच में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए 5.5 इंच, 5.5 इंच इस तरीके से करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 सेंटर में हमने एक लाइन बना लिया है। अब इसके लंबाई को हम देखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। तो देखिए, हाफ करने के बाद ये जो लंबाई है 12.5 इंच निकल कर आया है। तो हम 12.5 इंच पे इस तरीके से 20 सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम जो है घुटने की जो गोलाई है उसकी मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके घुटने की जो गोलाई है वो 13.5 इंच है, उसको हमने इस तरीके से इंची टेप को डबल किया, फिर से डबल किया। घुटने का चौथाई भाग निकल कर आया है 3.5 इंच 2 पॉइंट। तो इस तरीके से देखिए, इधर हमें 3.5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाना है और दूसरी साइड भी हम 3.5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब जो है मोरी की गोलाई को हम लेंगे, तो इसका जो चौथाई भाग निकल कर आया है मोरी का, वो 3 इंच 2 पॉइंट है। 11.5 था तो हमने उसको डबल किया, फिर से डबल किया, तो चौथाई भाग 3 इंच 2 पॉइंट आया। तो उधर हम 3 इंच 2 पॉइंट और इधर भी 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर देंगे। घुटने को मोड़ी से इस तरीके से मिलाएंगे और फिर ऊपर के साइड इस तरीके से आसन में मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे स्ट्रेट पैंट का निशान लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। तो पहले हमने 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ दिया। कमर का चौथाई भाग 9 इंच पे हम मार्क करेंगे और 9 इंच पे हमें आसन को मार्क करना है, उसमें हम 2 इंच और प्लस कर लेंगे। तो 11 इंच पे हम मार्क करेंगे और लंबाई ले लेंगे आसन का। आसन का चौड़ाई भी सेम हम उसी तरीके से 9 इंच पे मार्क करके 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के उसमें गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, और अब हम ये जो हमारे 11 इंच आसन का चौड़ाई है उसी का हम हाफ निकालेंगे।
इस तरीके से 11 इंच पे इंच टेप को रखेंगे और उसको मोड़ के निकाल लेंगे हाफ, और 5-5 इंच पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। और मोड़ी का 2 इंच हमने नीचे छोड़ दिया है, तो इस लाइन को हम इस तरीके से इंच टेप की मदद से फोल्ड करके 20 सेंटर निकाल लेंगे। और यहाँ पे इसके गोलाई का चौथाई भाग है, घुटने का गोलाई का चौथाई भाग 3.5 इंच 2 पॉइंट, और मोरी के गोलाई का चौथाई भाग है 3 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे, सब लाइन को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। और अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं। तो जिस शेप में हमने मार्क किया है हमें उसी तरीके से काटते जाना है। फ्रेंड्स देखिए, हमने बस इसमें लाइन ड्रॉ किया है, फ्रंट पार्ट में हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है, हम बैक पार्ट में मार्जिन बढ़ाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, ये जो साइड में जुड़ा हुआ है हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसको पहले हम एक बराबर अच्छे से शेप दे देंगे। यही जो साइड में कपड़े हमने फोल्ड किए थे उस फोल्ड को हमें कट कर अलग कर लेना है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, तो अब हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कपड़े को इसलिए ऐसा रखा हुआ है, इससे हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है उसी के नीचे साइड वाले भाग को इस तरीके से रख दिया, जो बचा हुआ था उस पर हम ये फ्रंट पार्ट वाले हिस्से को रखेंगे और अच्छे से फिनिशिंग से रख लेंगे। और अब देखिएगा फ्रेंड्स पूरा ध्यान से, यहीं पे हमारे पैंट में फ्रंट और बैक में डिफरेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने फ्रंट पार्ट के हिस्से को इस तरीके से अच्छे से रख दिया है कपड़े के ऊपर। अब हम इसमें मार्जिन आपको बढ़ाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नीचे के साइड से हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है, जिधर हमारा आसन है उसी के साइड से हम ऐसे मार्जिन बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-2 इंच पे हमें इस तरीके से मार्क करना है, फ्रंट पार्ट वाले हिस्से के पास से हम 2-2 इंच इस तरीके से बैक पार्ट वाले में कपड़े को बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से 2-2 इंच पे मार्क करने के बाद हम इसको इसमें मिला देंगे। देखिए इस तरीके से, अब आसन के पास से भी हम 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेंगे और इधर से भी हम 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें मार्क करते जाना है, आसन को इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें इस तरीके से 2 इंच की दूरी पर गोलाई दे देंगे, ठीक है। जैसे आर्मोल में गोलाई देते हैं उसी तरीके से हल्का सा हमें इसमें गोलाई का शेप देना होता है। और ऊपर से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे फ्रेंड्स। हमारा ये जो फ्रंट पार्ट रहता है बैक पार्ट वाले से चौड़ाई में 2-2 इंच कम होता है और लंबाई में भी ऊपर से 2 इंच कम होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट वाले में कुछ भी मार्जिन नहीं लिया था, हमने आपको बैक पार्ट में मार्जिन बढ़ाना बताया। तो आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, हमने नीचे से कोई भी मार्जिन नहीं बढ़ाया, साइड में से 2-2 इंच कर करके हमने मार्जिन बढ़ाया, पूरा ऊपर आसन के गोलाई में भी हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ाया और गोलाई कर दिया। तो देखिए इस तरीके से गोलाई हमें आर्मोल की तरह कर लेना है, और ऊपर के साइड में हमने बैक पार्ट वाले में 2 इंच बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। सॉरी वीडियो में पूरा नहीं दिखा है, पर आपको 2 इंच मार्जिन बढ़ा के रखना है। तो इस तरीके से हमें इस साइड से कोई भी मार्जिन नहीं बढ़ाना होता है, साइड में हम कपड़े को एकदम बराबर करके रखेंगे, मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं, जो हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ाया था उसी निशान पे हमें इस तरीके से इसको कट करते जाना है। नीचे से हम बराबर में कट करेंगे, कोई भी मार्जिन हमारा नहीं है, ये साइड वाले जो थोड़े थोड़े कपड़े निकले होते हैं उसको भी हम कट कर लेंगे।
तो इधर ऊपर भी हम इसको बराबर में कट कर देंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट वाले को रखा है उसी शेप में हमें कट कर देना है एकदम से बराबर में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने बैक पार्ट वाले में मार्जिन बढ़ा लिया है, फ्रंट पार्ट में हमने मार्जिन नहीं बढ़ाया था। तो फिर से हम अच्छे से फ्रंट पार्ट वाले को इस तरीके से इस पर रखेंगे अच्छे से फैला के। और अब आप देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 इंच जो आसन के साइड से बढ़ाया था, ये आसन के साइड से हमें उस पर कुछ डिफरेंट करना है। तो ये देखिए, हमने 2 इंच ऊपर से मार्क करके यहाँ आसन में इस तरीके से तिरछा कर देना है। फ्रेंड्स आपको आसन के साइड से बिल्कुल भी कट नहीं करना है, उधर से ऊंचा रखना है और इसको ला के फ्रंट पार्ट वाले में एकदम से मिला के इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा करने से हमारा जो पीछे का है आसन के साइड 2 इंच बड़ा रहता है, तो हमें बैठने में खिंचाव नहीं पड़ता है। नहीं तो जब हम बैठते हैं तो पैंट हमारे नीचे के साइड खींच कर आते हैं, अगर हम बढ़ा लेते हैं इसको तो फिर बैठने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये 2 इंच ऊपर से बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।